हेलो एवरीवन टुडे थ्रू दिस वीडियो आई विल हेल्प यू हाउ टू सॉल्व ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस इन द रीडिंग टेस्ट ऑफ आइल्स लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था फॉर सॉल्विंग रीडिंग क्वेश्चंस हम एक मेथड फॉलो करेंगे द नेम ऑफ द मेथड इज आर यू पी मैथड R stands for read the questions carefully you stands for underline the demand and understand the जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था हम एक मैथड फॉलो करेंगे रीडिंग को सॉल्व करने के लिए आर यू पी मैथड. तो सिमिलरली वही मैथड हम आर यूज करेंगे कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस को तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन को रीड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन रीड करने से हमें एक हिंट मिल जाएगा कि हमें पैसेज में कौन सी लोकेशन लोकेट करनी है आंसर हमें किस पैराग्राफ में मिलेगा जब हमें डिमांड पता होगी तो हमें इजीली फाइंड आउट हो जाता है कि हमारा आंसर जो है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में गिवन है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड करते हुए अंडरलाइन करेंगे मेन कीवर्ड्स को ताकि हमें डिमांड जो है वो क्लियरली समझ आ जाए लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग तो आज जो हम रीडिंग करेंगे सेक्शन वन तो कितने हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे यहां से वन से थर्टीन तक क्वेश्चन वन टू एट क्वेश्चन वन टू एट जो हमारे रहेंगे वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बेस्ड क्वेश्चन है ट्रू मीन्स इफ दिस स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन फॉल्स इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्रोडिक्ट इंफॉर्मेशन नॉट गिवन इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑन दिस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में हमें स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमें सच देखना है अगर की वर्ड मैच कर रहा है या उसे पैराफ्रेज करके दिया गया है तो हम उसे ट्रू कंसिडर कर सकते हैं फॉल्स में अगर कोई भी एक नाउन वहां पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है या उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके ओपोजिट ट्रेंड में बात करिए तो वो फॉल्स कंसिडर किया जाएगा नॉट गिवन में क्या रहेगा कि अगर उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके रिलेटेड पैसेज में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन गिवन नहीं है तो वो नॉट पे हमने खुद से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है तो ये हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन की जो डिमांड है द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इन मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पे हम मॉडर्न फिजिक्स का ध्यान रखेंगे रिलेटिविटी का रखेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरी का ध्यान रखेंगे सेकंड क्वेश्चन आइंस्टाइन हैड सर्च डिफिकल्टी विद लैंग्वेज उसे डिफिकल्टी थी लैंग्वेज के साथ दैट दोस अराउंड हिम जो उसके इर्द-गिर्द थे जो उसके आसपास थे अराउंड हिम थॉट ही वुड नेवर लर्न हाउ टू स्पीक उन्हें लगता था कि वो कभी भी नहीं सीख पाएगा कि कैसे बोलना है कैसे बात करनी है हाउ टू स्पीक

उसकी जो डॉटर एक पर्टिकुलर डिसीज से मरी थी उसका नाम था सिजोफ्रेनिया जब वो टू टू मींस जब वो टू इयर्स की थी एज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डॉटर ओनली बिकेम नोन टू द वर्ल्ड बिटवीन 1897 एंड 1903 जो उसके डॉटर की एग्जिस्टेंस है ये वर्ल्ड को किस दौरान पता लगी थी अठारह से 1903 इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कि उनकी एक डॉटर भी है आइंस्टाइन की ये चीज उन्हें इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान पता लगी थी क्वेश्चन नंबर एट इन 1933 आइंस्टाइन मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स वो यूनाइटेड स्टेट्स मूव कर गए वेयर ही बिकेम एन अमेरिकन सिटीजन जहां पे वो एक अमेरिकन सिटीजन बने क्वेश्चन नाइन टू टेन इसके भी हम डिमांड देख लेते हैं कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बिलो चूज नो मोर देन थ्री वर्ड्स फ्रॉम दंसर क्वेश्चन की डिमांड है मुश्किल हो रही थी इस बात को समझने में हाउ दीडल की निडल कैसे जो है वो मूव करती है इट से खुद से कैसे मूव करती है लेट स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन टेन क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है आइए चेक करते हैं ही ओफन डिड नॉट गो टू क्लासेस एज यूज द टाइम टू स्टडी फिजिक्स और टू प्ले म्यूजिक ही ओफन डिड नॉट गो टू क्लासेस वो क्लासेस नहीं जाते थे अक्सर और वो जो टाइम यूटिलाइज करते थे वो फिजिक्स करते थे और प्ले करते थे म्यूजिक्स तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन सर्च करना है कि क्या जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है हम यहाँ पे फेच कर सकते हैं

is shared by his granddaughter. his granddaughter, share tha. was discovered in a shoe box. Ek shoe box mein uska naam mila tha. question number 12. his teachers would not recommend him for a university position because they did not think highly of him. they thought he was a nazi. his wife was serbian. he seldom kept classes.

वो से Swiss origin, Jewish origin, American and Austrian. तो यहां से थे? तो हमें उनका ओरिजन देखना है तो अभी हमने क्वेश्चन रीड कर लिए, अब हम रीड करेंगे और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको यह चीज भी समझाई थी कि कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें जितने भी आंसर्स वो सारे सिक्वेंशियल ही मिलेंगे हमें जंबल लोकेशंस भी मिल सकती हैं तो यही रीजन है कि हम क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करेंगे और उनके डिमांड को ध्यान से समझेंगे पैसेज रीड करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन इज पर साइंटिस्ट ऑफ देंचुरी नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन नाइनटीन ट्वेंटी And his theories of special and general relativity are of great importance to many branches of physics and astronomy. He is well known for his theories about light, matter, gravity, space, and time. His most famous idea is that energy and mass are different forms of the same thing. अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बेस्ट नोन साइंटिस्ट हुए सेंचुरी के ही रिसीव्ड उन्हें नोबल प्राइज भी मिला है 1921 के दौरान, के दौरान फिजिक्स लिए, उनकी जो थ्योरीज हैं, कौन सी स्पेसिफिकली बात हुई है स्पेशल जनरल रेलिविटी आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी तो यहाँ से अगर हम इस लाइन को रीड रीड करते हैं तो हमें यहाँ पे अपने क्वेश्चन वन का आंसर मिलता है

जुडिज्म इन लेटर लाइफ उनका बर्थ कहाँ हुआ जर्मनी में 14 मार्च 1879। उनके जो फैमिली थी वो थी, लेकिन वो कभी इतने थीजियस नहीं रहे अपने यंग पीरियड यूथ जो मतलब यंग एज लाइफ के उस दौरान वो कभी रिलीजियस नहीं थे लेकिन लेटर लाइफ में बाद का जो हम कह सकते हैं अडल्टुड में वहां पे जाके वो किस में इंटरेस्ट ले गए थे जुडिज्म में तो देखिए फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमें क्या है कि आंसर्स क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करना है डिमांड क्लियर होनी चाहिए तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन का आंसर मिला है अगर आपको याद हो हमने कीवर्ड्स में ये चीज को देखा था दस अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज ऑफ तो वो कौन से रिलीजन से थे हमारे अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं थर्टीन क्वेश्चन के लिए जो आंसर बनता है बी जोइन क्योंकि यहां पे ज्यूडिज्म के बारे में बात हुई है देर द आंसर इज बी तो हम यहां पे बी को सर्कल करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ हम रीड करते हैं इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड दैट आइंस्टाइन डिड नॉट बिगन स्पीकिंग अंटिल आफ्टर द एज ऑफ थ्री ये डॉक्यूमेंट में बताया गया था कि उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था अंटिल आफ्टर द एज ऑफ थ्री मतलब थ्री एज के होने के बावजूद भी वो बोल नहीं पाई In fact, he found speaking so difficult. उनको जो speaking था बहुत difficult concept लगता था। His family were worried that he would never start to speak. उनके जो family थे वो worried थे इस बात को। उनका जो main concern था वो क्या था? क्या वो कभी बोल नहीं पाएंगे? Never start to speak. Dear students, यहाँ से question को ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें हमारे क्वेश्चन नंबर टू का आंसर मिलेगा आइंस्टाइन हैड सच डिफिकल्टी विद लैंग्वेज लैंग्वेज एंड स्पीक मैंने बोला था कि पैराफ्रेज भी किया जा सकता है कीवर्ड्स के साथ सिनोनिम्स के साथ रिप्लेस भी किया जा सकते हैं आइंस्टाइन हैड सच डिफिकल्टी विद लैंग्वेज दैट दोज अराउंड हिम दैट दोज अराउंड हिम फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं थॉट ही वुड नेवर लर्न हाउ टू स्पीक वुड नेवर स्टार्ट टू स्पीक तो ये सेंटेंस पूरा स्पोर्टिंग है उसके लिए तो यहां पे भी हम इसको क्या कंसीडर करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्रू का जो आंसर रहेगा ट्रू व्हेन आइंस्टाइन वाज फोर इयर्स ओल्ड जब वो चार साल के थे हिज फादर गेव हिम अ मैग्नेटिक कंपास उनके फादर ने उनको एक मैग्नेटिक कंपास दिया था इट वॉज दिस कंपास दैट इंस्पायर्ड हिम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस जिसने उसको इंस्पायर किया था एक्सप्लोर करने के लिए

नेक्स्ट रीड करते हैं इट इफ द वाज इट सेल्फ उन्हें लगता था क्या निडल अपने आप मूव करती है बट द निडल वॉज इन साइड केस लेकिन जो निडल थी वो एक क्लोज केस के अंदर थी सो नो अदर फोर्स कोई भी फोर्स नहीं थी जैसे कि विंड, सच एज जैसे कि एग्जाम्पल रिलेट किया गया कि कोई भी फोर्स नहीं है जैसे कि विंड कुड बीन मूविंग इट

तो वहां पे था कि नो फोर्स सच कि कुछ भी नहीं है जैसे कि विंड भी नहीं है जो इसको मूव करिए तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है आई रिपीट निडल जो है वो किसके अंदर है एक क्लोज के अंदर है सो so, नो no, कोई भी नहीं सो नो अदर फोर्स कोई फोर्स नहीं है जैसे कि विंड भी नहीं है विंड को भी नेगेटिव कंसिडर किया नहीं है जो इसे मूव करेगी लेकिन वहां पे क्या कहा गया है कि विंड को छोड़ के और कुछ भी नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से आंसर जो लिखा जाएगा वो फॉल्स लिखेंगे नेक्स्ट इनफेक्ट ही वॉज सो क्लावर वो बहुत क्लेवर थे एट द एज ऑफ ट्वेल्थ जब वो बारह साल के हुए ही थॉट जब वो बारह साल के हुए ही टॉट हिमसेल्फ

तो यहां से हम लोकेशन चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में बात हुई है एट फिफ्टीन टू स्कूल एन म्यूनिश विच ही फाउंड बोरिंग आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल इन ही वेंट टू है ना तो कहां पे गए ही टू स्विस तो जो म्यूनिश स्कूल भी था वो कहां पे था स्विट्जरलैंड में था उन्होंने तो कहा है कि ही फाउंड बोरिंग ये उन्हें काफी ज्यादा बोरिंग लगे फोर्थ क्वेश्चन लेकिन क्वेश्चन में कॉन्ट्रोडिक्शन के लिए बोरिंग Contradict के लिए क्या दिया गया है इंजॉय वर्क दिया गया है. तो क्वेश्चन करेंगे वो हमारा रहेगा उसे वहां पर भी टीचिंग पसंद नहीं आई ही जिसकी वजह से वो अक्सर क्लासेस मिस करते थे यूज करते थे टाइम टू स्टडी फिजिक्स फिजिक्स पढ़ने के लिए ओन हिज ओन खुद से फिजिक्स पढ़ते थे टू प्ले वॉलिन इंस्टेंट और इसके बजाय स्टडी करते थे प्ले करते, करते थे या वॉलिन प्ले करते थे अगर क्वेश्चन को हम यहां से आइंस्टाइन टॉट हिमसेल्फ हाउ टू प्ले प्ले हाउ कैसे प्ले करना है ये उन्होंने खुद से नहीं सिखाया कॉन्ट्रोडिक्शन हुए वो सिर्फ प्ले करते थे और खुद से क्या सिखाते थे अपने आप को स्टडी ओन इज ओन खुद से फिजिक्स पढ़ते थे लेकिन वॉलिन वो नॉर्मल बजाते थे उन्होंने खुद से कैसे सिखाना है अपने आप को वॉलिन कैसे प्ले करना है ये नहीं सिखाया था वो एज अ हॉबी उसको नेचुरल टैलेंट uh, से प्ले करते थे तो यहाँ पे हमारा जो रहेगा फिफ्थ क्वेश्चन टॉट हिमसेल्फ वॉलिन जो है वो टीच करने के बारे में बात नहीं हुई है हमने ये ज्यूम नहीं करना है कि अगर स्टडी खुद से करी है तो वॉयिन भी खुद से सीखी होगी वॉलिन सीखी नहीं थी वॉलिन सिर्फ प्ले करते थे टीच और प्ले दो अलग वर्ब है ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती हैं। इसलिए जो इसका आंसर कंसीडर किया जाएगा वो नॉट गिवन होगा क्योंकि टीच करना नॉलेज इम्पार्ट करना ठीक है और लर्न करना ये अलग चीजें हैं प्ले करना नेचुरल टैलेंट था उनका उन्होंने खुद से अपने आप को ये नहीं सिखाया था इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये नॉट गिवन है आई होप कि आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे आगे रीड करते हैं हाउ एवर ही वॉज एबल टू पास हिज एग्जामिनेशन बाय स्टडिंग द नोट्स ऑफ अ क्लासमेट उन्होंने जितने भी एग्जामिनेशन क्लियर किए थे कैसे किए थे अपने क्लासमेट के नोट्स को स्टडी करके किए थे डि नॉट है गुड ओपिनियन ऑफ हिम उनके जो टीचर थे उनकी उनके बारे में रिफ्यूज करते थे यूनिवर्सिटी uh, पोजिशन के लिए सो ही गॉट अ जॉब इन अट ऑफिस इन स्विटरलैंड जिसकी वजह से उन्हें जॉब मिली पेटेंट ऑफिस में कहा पे स्विटरलैंड में वाई ही वॉज वर्किंग डेयर ही रोट द पेपर दैट फर्स्ट मेड हिम फेमस एज अ

Dear students, इसी paragraph में हम यहां पे fifth question के साथ एक बार दोबारा से करते हैं कि वो अपने आप को स्टडी करवाते थे फिजिक्स और प्ले करते थे वॉल इन तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसी एक सेंटेंस से हमारे दो क्वेश्चंस की लोकेशंस मिली थी हमें क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर टेन He often did not go to to classes and use the time to study physics Physics on his own. Physics on his own. अब हम नेक्स्ट हेजिक्राफ पे मूव करते हैं तो हमने यहाँ पे अलर्ट रहना कि हमारी एक सेंटेंस से हमारे दो क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकते हैं तो ये बेनिफिट रहेगा हमें दो क्वेश्चंस को रीड करने के लिए ये बेनिफिट रहेगा हमें एक सेंटेंस को दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं अगर हम आर पी मैथड को फॉलो करते हैं रीडिंग के दौरान नेक्स्ट पैराग्राफ हम रीड करते हैं उनकी जो थी, उनसे उनके दो डिसेबल चिल्ड्रन हुए थे हिज डॉटर हुज नेम वी डोंट नो जिसका नाम हम नहीं जानते हैं तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे हुज नेम वी डोंट नो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ का आंसर बनता है ये द नेम ऑफ आइंस्टाइन डॉटर वॉज नॉट चूजन हुज नेम वी डोंट नो तो इज अ मिस्ट्री क्योंकि हमें नहीं पता है हमारे लिए ये एक रहस्य है वॉज बॉर्न अबाउट अ ईयर बिफोर वो एक साल पहले पैदा हो गई थी बिफोर देयर मैरिज उनकी शादी से एक साल पहले इन जनवरी 1902

शन हो रही है कई लोगों का मानना था कि वो फीवर की वजह से उसकी डेथ हुई है तो कई लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम की से. Six, अगर मैं देखती हूं, क्या रहेगा? रहेगा. अब आप यहाँ पे कहेंगे मैम कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है फॉल्स कंसिडर किया जा सकता है इसको क्योंकि यहाँ पे फीवर के बारे में भी बात हुई है और डाउन सिंड्रोम के बारे में बात हुई है डियर स्टूडेंट्स कॉन्ट्राडिक्शन है श्योरिटी नहीं दी गई है किसी का मानना यह है कि फीवर वॉज द रीजन तो जो अदर से पर्टिकुलरली चीज के बारे में बात फीवर के बारे में बात होती फिर कॉन्ट्राडिक्शन से इसको हम फॉल्स कंसिडर कर सकते थे लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज थे कि क्या एग्जैक्ट रीजन था रीजन वॉज नॉट स्पेसिफिक देअ फोर द आंसर इज नॉट गिवन बट देयर इज नॉट इनफ एविडेंस टू नो फॉर श्योर कोई एविडेंस नहीं था ये देखिए आगे लाइन में भी क्लियर किया गया कि कोई श्योरिटी नहीं थी कोई पक्का सबूत नहीं था एविडेंस नहीं था उनके पास इनफेक्ट नो वन इवन न्यू दैट शी है 1897 और 1903 19, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि किसी को ये बात ना पता लगती अगर जो आइंस्टाइन के डॉटर ग्रैंड डॉटर है वो उनके 54 लव लेटर्स ना पढ़ती जो आइंस्टाइन और मिलीवा ने एक दूसरे को लिखे थे किस पीरियड के दौरान लिखे थे 1897 19, और 1903 के दौरान लिखे थे कहने का मतलब ये 1897 से लेके 1903 तक आइंस्टाइन और मेलिवा ने एक दूसरे को 54 लव लेटर्स लिखे थे जिनको उसके ग्रैंड ने पढ़ा था और ये पाया था कि उसकी एक डॉटर भी है तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डॉटर जो डॉटर की एग्जिस्टेंस थी वर्ल्ड को ये कब पता लग गया था 1897 और 1903 के दौरान पता लग गया था कि उनकी एक डॉटर भी है उस पीरियड के दौरान नहीं पता लगा था उस पीरियड के दौरान तो लव लेटर्स लिखे गए थे जो उसके ग्रैंड डॉटर ने पढ़े थे पूरे फैक्ट्स गिवन है लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन में बात हो रही है इसलिए आंसर क्या रहेगा फॉल्स शी फाउंड दिस लेटर इन अ शू बॉक्स ये जो लेटर है उसने किस में पाए थे

आइंस्टाइन मूव करते हैं बैक टू जर्मनी एंड बिकेम डायरेक्टर ऑफ द स्कूल देयर और वहां पे एक स्कूल में एज अ डायरेक्टर वो काम करते हैं बट इन 1933 फॉलिंग डेथ थ्रेट्स डेथ थ्रेट्स की वजह से फ्रॉम द नाजीज वो मूव करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ही मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर ही डाइट जहाँ पे वो उनकी डेथ होती है कब डेथ होती है ऑन एटीन अप्रैल नाइनटीन फिफ्टी अप्रैल को उनकी डेथ होती है अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट की लोकेशन देखते हैं इन 1933 आइंस्टाइन मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स कि वो 1933 में यूनाइटेड स्टेट्स पे मूव करे थे एंड वेयर ही बिकेम एन अमेरिकन सिटीजन इतना पार्ट हमें यहाँ पे 1933 से लेके मूव करने तक की जो हमें स्टेटमेंट है वो गिवन है लेकिन जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट है कि वो सिटीजन बने थे इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो यहाँ पे आंसर नॉट गिवन रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सेल्फ एज्यूम नहीं कर सकते कि उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर की होगी क्यों क्योंकि हमें इसके बारे में कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है इसका कहीं पे सिटीजनशिप के बारे में जिक्र नहीं किया गया है पैराग्राफ में तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे जब आपको एक स्टेटमेंट का सम पार्ट गिवन है और सम पार्ट के बारे में बात नहीं हुई है तो आप सेल्फ एज्यूम नहीं करेंगे वहाँ पर वो उसको नॉट गिवन कंसिडर किया जाएगा आई होप आपको समझ आ गया है कि किस तरह से हम यहां से ट्रू फॉल सॉल्व करेंगे कैसे ये जो स्ट्रेटेजी है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को एक्यूरेसी से सॉल्व करने में हेल्प करेगी आई विश इस वीडियो को फॉलो करते हुए ये टेक्निक्स फॉलो करते हुए आप डेफिनेटली सेवन सेवन प्लस स्कोर करेंगे विश यू बेस्ट ऑफ लक थैंक यू